संदूर डिस्ट्रिक्ट तालुका है संदूर, तो यहाँ पे की माइंस का जो आयरन ओर है वो ये सब यहाँ से कन्वेयर बेल्ट है जाता ना, इधर से केमिकल डाल के अच्छा तो स्टील बनाता है। अच्छा, तो इसका यही आयरन फ्लो होता है, फोल्डिंग होके राइट पाइप कन्वर्ट होता है राइट। ओके, डस्ट को अवॉइड करने के वो यहाँ पे काफी सारे माइंस इस एरिया में है, तो सारे माइंस से वो। वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे कि आयरन ओर प्रोडक्ट के बारे में। आयरन ओर एक वर्ल्ड का 13 मोस्ट ट्रेडेड प्रोडक्ट है और उसमें भारत भी काफ़ी अच्छे तरह से ट्रेड कर रहा है। दुनिया की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है आयरन ओर में। उसमें अगर एक नंबर पे देखेंगे आप तो ऑस्ट्रेलिया है जो 116 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करता है, विच इज़ अराउंड 54% ऑफ द होल ट्रेड वॉल्यूम ऑफ आयरन ट्रेड। रुपीज़ में कंसिडर करेंगे तो 116 बिलियन डॉलर मतलब तकरीबन 7.5 लाख करोड़ का ट्रेड अकेला ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश आता है ब्राज़ील जो 45 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करता है एंड दैट इज़ अराउंड 20%। उसके बाद साउथ अफ्रीका विच एक्सपोर्ट अराउंड 10 बिलियन डॉलर्स आयरन ओर which is around 4.7%. Fourth is Canada, which export around $4 billion. It has a share around 3.7% in the world trade. Then comes Ukraine, which exports $7 billion iron ore, and its share is around 3.1%. After that, it's Sweden, $4.7 billion, and their share is 2.2%. After that comes our India. We exported around $4.2 billion iron ore, and our share in the world market is 1.9%. And after us, there are Russia, China, and Chile. ये 3 कंट्री है, तो ये टॉप 10 कंट्री है आयरन ओर के एक्सपोर्ट में। तो आयरन ओर मतलब माइनिंग, भारत के पास काफ़ी अच्छे मिनरल्स, काफ़ी अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज संसाधन है और उसका उत्खनन करके उसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी दिनों से चल रहा है। देखेंगे तो रिसेंट प्राइसेस अगर बात करेंगे अगर आप, तो जून 2022 में आयरन ओर का प्राइस तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली $130 पर DMTU था, मतलब ड्राई मेट्रिक टन यूनिट। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कौन से राज्य अगर आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका ओडिशा, उसके बाद आता है कर्नाटक, उसके बाद छत्तीसगढ़, बाद में झारखंड और बाद में MP मध्य प्रदेश। ये 5 स्टेट्स है जहाँ से आयरन ओर निकाला जाता है, लोह खनिज निकाला जाता है और उसमें से काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो आज हम लोग है कर्नाटक में होस्पेट के नज़दीक संदूर एक सिटी है, वहाँ पे हम लोग है। यहाँ पे सारे माइंस है आजू बाजू में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे काफ़ी सारे सैकड़ों ट्रक्स आपको दिखेंगे कि जो यहाँ पे खड़े हैं, जो माइनिंग में माइनिंग होता है आयरन ओर का वो इसमें डाल के फिर स्टील प्लांट्स को सप्लाई किया जाता है और वहाँ से स्टील प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे नज़दीक ही JSW स्टील का बड़ा प्लांट है और ये सारा आयरन ओर उसे सप्लाई किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू आयरन ओर इज़ अ वेरी बिग प्रोडक्ट, इट इज़ ट्रेडेड इन अ बिग वॉल्यूम। अब वो बल्क वेसल्स में जाता है, 20-30-50,000 मेट्रिक टन्स के वेसल्स होते हैं और यहाँ से पोर्ट तक और पोर्ट से फिर वेसल से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। तो सबसे बड़ा अगर मार्केट आप देखेंगे भारत के लिए एक्सपोर्ट का तो वो है चाइना, उसके बाद आता है जापान, उसके बाद आता है कोरिया, उसके बाद आता है ओमान, मलेशिया। तो ये टॉप के 5 कंट्री है जहाँ पे भारत आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। आयरन ओर का अगर कोड देखेंगे आप HS कोड तो दैट कम्स 2601, 26 चैप्टर है 2601 एंड 1111 आगे के 2 डिजिट्स हैं। तो आयरन ओर के अगर आप देखेंगे तो आयरन ओर के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि 55 से 58%, 58 से 60, 60 से 62, 62 से 65, अबाव 65, अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। अलग अलग ग्रेड्स को अलग अलग HS कोड होते हैं और उस हिसाब से उसका प्राइस भी कम ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो कर्नाटक में 2011 से माइनिंग और एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन था, इसकी वजह से यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने वो बैन हटाया है। तो अभी कर्नाटक के काफ़ी लोग, काफ़ी बड़े माइनर्स यहाँ से है जो अभी एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि इसका देखें कि भारत में क्या पोटेंशियल है और यहाँ से कैसे एक्सपोर्ट हो सकता है। आयरन ओर मतलब फाइंस, लम्प्स एंड कॉन्सनट्रेट्स होते हैं, उसके ऊपर 50% ड्यूटी लगाई है। आयरन ओर पैलेट्स होते हैं उसके ऊपर 45% ड्यूटी लगाई है। तो यही एक अभी मसला है कि काफ़ी लोग जो आयरन और के एक्सपोर्टर्स है वो बोल रहे कि ओके अच्छा तो किया सरकार ने यहाँ से एक्सपोर्ट बैन हटाया लेकिन ड्यूटी बढ़ाई है, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आ रही है क्योंकि रेट्स विल बी क्वाइट हाई कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट। सो वी होप दैट गवर्नमेंट विल रिकंसिडर दिस डिसीजन और एंड इट विल हेल्प एक्सपोर्टर्स टू एक्सपोर्ट आयरन ओर टू द वर्ल्ड एंड मेक इंडिया अर्न मोर डॉलर्स। तो अगर हम अब यहाँ पे जहाँ पे आप देखेंगे तो सारा आयरन ओर का इलाका है। तो यहाँ पे कुछ लोग है, ये अब आज थोड़ा छुट्टी है तो यहाँ पे देखेंगे आप तो काफ़ी सारे डंपर्स खड़े हैं जहाँ से आयरन ओर का मूवमेंट किया जाता है। यहाँ से लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और वो यहाँ से ये जो खनिज है, लोह खनिज, वो कहाँ पे लेके जाते हैं, उसका क्या होता है? नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम राजशेखर है सर। राजशेखर जी, आप कौन से, ये कौन सा शहर है, कहाँ से आप? ये संडूर है, बल्लारी डिस्ट्रिक्ट का संडूर। बल्लारी डिस्ट्रिक्ट संडूर, तो आपने सुना होगा बेल्लारी रेड्डी बंधु काफी बड़े माइनर्स थे और काफी ज्यादा एक्सपोर्ट उन्होंने किया था। तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मुझे बताइए कि अभी इतनी सारे गाड़ियाँ यहाँ पे डंपर्स खड़े हैं, तो क्या करते हैं आप लोग? ये डंपर्स मैं इसमें जाके वो लोड लेके फैक्ट्री रहता है ना, फैक्ट्री में जाके अनलोड डंप करते हैं। ओके, तो बेसिकली आप लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये आपकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होंगे उनके डंपर्स हैं। तो आप बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट कंपनी का नहीं है, अपना अपना ओनर गाड़ी का रहता है। अच्छा, तो आपका भी डंपर है सर? हमारा ड्राइवर ड्यूटी करता है डंपर को। तो अलग अलग यहाँ पे लोग हैं जिन जो डंपर्स ओन करते हैं, लोकलाइट्स। तो मुझे बताइए, अब यहाँ पे ये जो तालुका है संदूर, तो यहाँ पे कितने डंपर्स है अभी? यहाँ पे 5000 डंपर है। 5000 डंपर से आप सिर्फ संदूर तालुक में? सिर्फ संदूर तालुक में 5000 डंपर है। डंपर से अकेले तालुक? और बल्लारी डिस्ट्रिक्ट से आता है, उसपे डिस्ट्रिक्ट से आता है, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट से आता है, सब पूरा मिलकर 15000 ऊपर आता है इधर। अच्छा, तो 15000 डंपर आते हैं इधर। जो है ना, 3 दिन को, 4 दिन को, 5 दिन को एक ट्रिप मिलता है, एक एक डंपर को। ओके, 3 या 4 दिन में एक ट्रिप मिलता है। यहाँ से कितना दूर लेके जाते हैं आप? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और कितना कितना फैक्ट्री लंबा रहता है उतना इतना किलोमीटर रहता है ना, वो जाके दल के आते हैं। 4 दिन के बाद एक ट्रिप मिलता है। इतना वेटिंग होता है? अच्छा, तो यहाँ पे कितने माइन्स है आजू बाजू में? कम से कम 5 से 7-8 माइंस रहेगा, बड़े माइंस इस तालुक में। अच्छा, सिर्फ राउंड इस तालुक में राउंड। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 15000 डंपर्स है और सब यहाँ से आयरन ओर लेके बाहर बेचते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में माइंस होंगे फिर ना, काफी दूर। ओके, तो यहाँ पे एक डंपर में मतलब कितना बेचता है ये आयरन ओर? 19 टन बैठता है। 10 व्हीलर को 19 टन। अच्छा, 6 व्हीलर को 12 टन। 6 व्हीलर को 12 टन, और ये कितना व्हीलर है? इसको 14 व्हीलर, 12 व्हील को 21 टन। 21 टन। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है अभी, मतलब अभी एक्सपोर्ट शुरू हुआ है, आपको पता है अभी रिसेंटली? पता है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया ना। स्टार्ट नहीं किया अभी, तो ड्यूटी है इसकी वजह से स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी जो एक्सपोर्ट बंद किया था उसकी वजह से आपका जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो कम हुआ था क्या? बहुत कम हुआ था है ना, क्योंकि 2010-11 तक बहुत ज्यादा हो रहा था। इससे पहले था, अभी 2011 से बहुत कम था। 3-4 दिन को अभी थोड़ा कम, मूवमेंट बहुत कम था। तो अभी रिसेंटली कुछ बड़ा है? अभी भी उतना ऐसा ही है। 2-3 दिन को एक ट्रिप होता है, 4 दिन को एक ट्रिप होता है। अच्छा, बहुत वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद एक ट्रिप मिलता है। अच्छा, ये जो अभी माइंस है ये कौन ओन करता है, किसके माइंस है? वो इधर बीके माइंस है, उधर एसकेएम माइंस है, और मिजान माइंस है, और आगे जेटीसी माइंस है। इधर ही 3-4 माइंस है, लेकिन एक जलने का जो है ना, एसकेएम माइंस जो है ना रनिंग है अभी। अच्छा, एक ही माइंस रनिंग है। अब बीके जो माइंस है ना, एक हफ्ते में एक बार और 15 दिन में एक बार ऐसा स्टार्ट होता है, सिर्फ इतने। उनका कभी स्टार्ट लेने वाला कभी आता है तब स्टार्ट करता है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लांट है जेएसडब्ल्यू प्लांट, कितना दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर। तो वो कितना गाड़ी माल लेता है, कितना लेता होगा? वो पहले बहुत लेता था, उसका कन्वेयर बेल्ट बनाया। यहाँ से वहाँ से डायरेक्ट 30 किलोमीटर फैक्ट्री को कन्वेयर बेल्ट बनाया। 6 किलोमीटर फैक्ट्री, 30 किलोमीटर कन्वेयर बेल्ट से अंदर से जाता है सब पूरा मेटल उसको। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से संदूर से जेएसडब्ल्यू फैक्ट्री है 30 किलोमीटर के ऊपर, और वहाँ से उन्होंने कन्वेयर बेल्ट बनाया। और ये पैसा बचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए, आयरन ओर इज गोइंग टू द फैक्ट्री इन दैट कन्वेयर बेल्ट। उसकी वजह से आपका वॉल्यूम यहाँ से गाड़ी का कम हो गया। ओके, अभी आपको क्या लग रहा है, अभी आगे क्या फ्यूचर है? अभी बिजनेस बढ़ने वाला है, ज्यादा काम आएगा, कुछ आपको पता है? एक गाड़ी रहेगा तो 4 में जी सकते हैं। अच्छा, उसका भी एक आदमी के बेबी बच्चा लोग जी सकते हैं। अच्छा, इसीलिए 4 ये आदमी जी सकते हैं, हो सकता है ना। तो अभी चलना, एक गाड़ी चलेगा तो। अच्छा, ऐसा है, एक संदूर के अंदर 5000 गाड़ी है संदूर तालुक में, सिर्फ इतना है। ये गाड़ी चलने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। ये 2 दिन को 3 दिन को एक ट्रिप हुआ तो कैसा पेट भर सकता है बोलो। इधर ड्राइवर है, हेल्पर है, होटल वाले है, कट्टा लोग है, मैकेनिक मिस्त्री है, उसका इलेक्ट्रिशियन है, सभी आज लोगों को इसी गाड़ी के ऊपर, एक गाड़ी के ऊपर जी सकता। राइट, तो यू कैन सी दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। एक्सपोर्ट होता है तो माइन ज़्यादा चलेंगे तो ज़्यादा लेबर जनरेट होगा, लोगों को काम मिलेगा, उनको जीने का सहारा मिलेगा और प्रगति होगी। तो वी थिंक दैट एक्सपोर्ट इज वेरी एसेंशियल, वी नो दैट एक्सपोर्ट इज वेरी एसेंशियल। देयर मस्ट बी सम डिसीजंस बाय गवर्नमेंट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट, बट स्टिल एक्सपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास है उनको भी ये काफ़ी बड़ा रोजगार देता है, और माइनिंग ऑल्सो इज़ अ बिग प्रोडक्ट अगर देखेंगे आप तो हम लोग यही आशा करेंगे कि भारत सरकार माइंस के एक्सपोर्ट्स को खुला करे, उसका ड्यूटी कम करे और हम सब लोग ट्रेड में कंट्रीब्यूट करें। तो थैंक यू ऑल, नाउ कीप वॉचिंग अस, नाउ वेरी सून वी विल गेट इनटू द माइंस और आपको दिखेगा कि माइंस में आयरन ओर के माइंस में क्या होता है, कैसे आयरन ओर का उत्खनन किया जाता है, एक्सकेवेशन किया जाता है, कैसे डंपर से लोड किए जाते हैं और कैसे आप वो पोर्ट तक लेके जाते हैं। तो हम लोग आपको माइंस भी दिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो अस। संदूर में है और यहाँ पे जो माइंस का एरिया है वहाँ पे हम लोग हैं। तो अगर आप देखेंगे, जैसे आपने भाई साहब ने बताया कि यहाँ से जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट 30 किलोमीटर पे है। तो अभी ये जो दिख रहा है ये पाइपलाइन जैसा कुछ दिख रहा है और ये स्टेशन दिख रहा है, ऊपर भी लाइन जा रहा है, हाँ, है ना, पहाड़ पे। तो ये क्या है? वो माइंस मेटल जो है ना वो अंदर जाता है। अच्छा, तो मतलब ये है कि माइंस का जो आयरन ओर है वो अंदर, ये सब यहाँ से कन्वेयर बेल्ट है, ये कन्वेयर सिस्टम है, यहाँ से वो 30 किलोमीटर दूर JSW स्टील में लेके जा रहे हैं, टू सेव द लॉजिस्टिक कॉस्ट, दैट्स व्हाट बिग पीपल डू। और आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा कारोबार होगा, कितना बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट होगा। ये सब तालुका का आयरन ओर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कन्वेयर से लेके जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे सारा मशीनरी, ये सारा दिखेगा आपको, पाइपलाइन पूरा, है ना, देख सकते हैं आप। ये बड़ा पंपिंग स्टेशन जैसा उसका हाउस है, जंक्शन है, ये जंक्शन और नीचे से डायरेक्ट जंक्शन है और यहाँ से फिर वो आगे भेजा जाता है। अगर हमने देखा अभी कि जो जेएसडब्ल्यू का जो आयरन ओर का जो फैसिलिटी है, कन्वेयर फैसिलिटी, वो हमने देखा। तो ये सारा अगर देखेंगे आप तो ये सारा कन्वेयर बेल्ट है, 30 किलोमीटर्स का उसका डिस्टेंस वो कवर करता है सीधा। वो यहाँ पे काफ़ी सारे माइंस इस एरिया में है, तो सारे माइंस से वो आयरन ओर खरीदते हैं। जेएसडब्ल्यू के भी खुद के 8 माइंस यहाँ पे है, वो आयरन ओर आता है और ये कन्वेयर बेल्ट से उनके प्लांट में जाता है और वहाँ से वो स्टील प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप देखेंगे बहुत लंबा आपको दिखेगा कन्वेयर बेल्ट, काफ़ी ये लंबा है ना। तो इस तरह से बहुत बड़ा वॉल्यूम एवरी डे दे आर प्रोसेसिंग ऑफ आयरन ओर। ये आयरन ओर देखेंगे आप तो ये माइन से आ रहा है सीधा। वी आर इन अ संदूर इन अ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, दिस इज अ आयरन ओर। ये अब नीचे जा रहा है, यहाँ पे नीचे एक फैसिलिटी है, नीचे जाके यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ से वहाँ जा रहा है कन्वेयर बेल्ट में, कन्वेयर सिस्टम से नीचे पाइप कन्वर्ट जाने का। अच्छा, तो वहाँ से नीचे से पाइप है कन्वेयर में जा रहा है, हाँ। और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जेएसडब्ल्यू प्लांट में ये आयरन ओर जा रहा है, हाँ। है ना। अभी और आप बताएंगे सर मुझे कौन से वैरायटी का क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा आयरन ओर का? इधर ये 50-55 ग्रेड है। ओके, हाँ। तो दिस इज द आयरन ओर 50 to 55, हाँ, 55। ओके, इसका अभी आगे क्या करते हैं? इधर से स्टील करते हैं सर। ओके, क्या करते हैं? स्टील बनाते हैं, रॉड एंड प्लेट। इसके ऊपर कुछ प्रोसेस होगा ना, वो सारा प्रोसेस जेएसडब्ल्यू प्लांट में होता है। ऐसा वो तो लेके जाता ना, इधर से केमिकल डाल के, अच्छा, तो स्टील बनाता है। अच्छा, तो इसका यही आयरन ओर है बेसिकली, लोह खनिज जो हम बोलते हैं 50-55 ग्रेड का है। इससे अभी जेएसडब्ल्यू के प्लांट में जाएगा, वहाँ से प्रोसेसिंग होएगा और स्टील्स बनाते हैं, रॉड बनाते हैं और बाकी सारे, है ना, शीट्स भी बनाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज आयरन ओर बिजनेस इज ऑल अबाउट। यू कैन सी अ बिग फैसिलिटी, यू कैन सी मेनी डंपर्स गेटिंग अनलोडेड हियर, दे आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द माइंस। यहाँ पे कितना बड़ा माइन है आपके, कितने माइंस है यहाँ पे? माइंस में हमारा हम लोग का है तो, अच्छा, 6 माइंस हम लोग इधर ही आता है आपका, मतलब जेएसडब्ल्यू का है। और आप बाकी लोगों से भी लेते हैं? बाकी लोगों लेते हैं आप, हाँ। तो अभी इसका क्या रेट रहेगा अभी आज इधर भी ले तो, हाँ। 6000 ऊपर है, 6000 रुपए टन, फार टन, है ना। तो इसका रेट है 6000 रुपए टन आयरन ओर। यू कैन सी दिस। अब ये सारा एक ही ग्रेड का है क्या? हाँ, एक ही ग्रेड है। ओके, तो बेसिकली जो माइंस होते हैं, हाँ, अब वो आप लीज आउट करते हैं गवर्नमेंट से, हाँ, वो तो एक्शन करता ना, हाँ, वो भी लेके आता है, राइट। तो वो लेते हैं और बाकी भी प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, उनके माइंस होंगे, वो एक्सकेवेशन करते हैं और इनको बेचते हैं, बिकॉज आगे तो स्टील बनाना है। अब जो स्टील बनाती है जेएसडब्ल्यू, यू आर फ्रॉम जेएसडब्ल्यू, राइट? तो वो स्टील अभी डोमेस्टिक भी सेल करते होंगे, हाँ, और तो एक्सपोर्ट भी करते होंगे, हाँ, एक्सपोर्ट, राइट। तो आयरन और एक्सपोर्ट होता है, आयरन और एक्सपोर्ट आप नहीं करते, तो आप मोस्टली स्टील प्रोसेसिंग करते हैं। हम लोग को मटेरियल लेके आता है, मटेरियल करके वो तो स्टील बनेगा, उसका स्टील बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज स्टील इंडस्ट्री ऑल अबाउट। दिस इज द वेरी बेसिक फंडामेंटल प्रोडक्ट विच एनी कंट्री एनी इंडस्ट्री नीड बेसिकली। तो भारत का अगर आप देखेंगे तो वी आर वेरी स्ट्रांग इन नेचुरल रिसोर्सेज, दिस कम्स अंडर मिनरल्स, यू नो, आयन और। बेल्लारी एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, अगर देखेंगे तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग एंड तुमकूर, ये तीन डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छा आयन ओर्स है, माइनिंग होता है। तो ये एक सबसे बड़ा एरिया यहाँ पे है और जेएसडब्ल्यू जैसे सबसे बड़े प्लांट भारत के वो यहाँ पे है। सो थैंक यू ऑल, कीप वॉचिंग अस, कीप फॉलोइंग अस, थैंक यू ऑल। ओके, तो यू कैन सी द मटेरियल हियर। आप ऊपर से देखे ना, इधर सीधा मेटल आ रहा है जी, आके यस, हाँ, इधर से नीचे आ रहा है। ओके, कन्वर बेल्ट में मेटल आ रहा है। अच्छा, इधर से एम्प्टी बेल्ट जैसे रोड जाने का। अच्छा, इधर से पूरा रोलिंग होके पाइप कन्वर आ रहा है, पाइप से आता है। ओके, पाइप कन्वर ओके, हां, इधर से देख लीजिए आप पूरा कन्वर देख लीजिए आप। इधर ही ओपन कन्वर है ना। अच्छा, ओपन कन्वर है ना। हाँ, ओपन है, पूरा फोल्डिंग होता है, पाइप होता है। अच्छा, हाँ, जाके 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 फोल्डिंग होता है। अच्छा, देख लीजिए, हाँ हाँ, पाइप हो रहा है बराबर। हाँ, वो हाथ मत रखो, दिस इज गेटिंग पाइप। देख लीजिए उधर तक जाने का। सर आपको इधर ही ओपन कन्वर है। अच्छा, इधर से आने का तो फोल्डिंग होके राइट पाइप कन्वर होता है। राइट, ओके, डस्ट को अवॉइड करने के लिए हमारा जेएसडब्ल्यू ऐसा बनाता है। अच्छा, ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो वो जो कन्वेयर बेल्ट था, हाँ, जो यहाँ पे रोलिंग से पाइप बन गया, सो दैट क्रॉस में डस्ट ना जाए बाहर का, अडल्ट्रेशन ना हो, सेफ्टी भी हो। और एक क्या बना दिया। अच्छा, नाला, हाँ, आगे और हाँ, वो डस्ट उठाने के लिए नहीं है। अच्छा, डस्ट अवॉइड भी नहीं होता है। अच्छा, वो तो पूरा सेफ करने के लिए हमारा जेएसडब्ल्यू ऐसा बना दिया। अच्छा, तो ये कन्वेयर बेल्ट है और 30 किलोमीटर तक ये आयरन ओर लेके जाते हैं। तो दैट इज हाउ दे प्रोसेस द आयरन ओर एंड मेक स्टील आउट ऑफ इट। तो इट्स अ ह्यूज फैसिलिटी। यू कैन से एवरेज 12000 का 15000 डेली हम लोग प्रोसीजर ऐसा डेली करते हैं एवरेज। ओके, तो देख सकते हैं आप, तो ये डेली इस जो जेएसडब्ल्यू का फैसिलिटी है, इसका डेली कैपेसिटी है 12,000 टू 15,000 टन पर डे। तो इट्स अ ह्यूज फैसिलिटी। दिस इज हाउ इंडिया प्रोड्यूसेस द स्टील एंड इंडिया यूजेस द स्टील, यू नो। जेएसडब्ल्यू प्रोड्यूसेस द स्टील एंड होल इंडिया इज यूजिंग द स्टील, पाइप, शीट्स, कॉइल्स, रॉड, एवरीथिंग वी गेट आउट ऑफ दिस। सो थैंक यू सर, इट्स अ नाइस फैसिलिटी, इट्स इंडिया इज प्राउड ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क एंड विल सी यू। थैंक यू, थैंक यू।